एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बोलो मैं क्यों हंसी, बोलो क्यों हंसी मैं डरा कर देखकर। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ यार। पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए ना, मतलब सीरियसली मेरे को बहुत खुशी हुई। इतने अरे भाई साहब, आओ आ जाओ, हम सबका वेलकम करेंगे। ऐसे बोलेंगे, आ जाओ डोरा, आ जाओ, वो देखो हेलो दोस्तों, हमसे मिलो, हम है डोरा द एक्सप्लोरर। ओह शिट भगवान, मम्मी पापा घर में नहीं है, मम्मा गए अनीता घर पर, बस डोरा और मैं हम दोनों। ये भी अभी सो के उठ रही है, टाइम 12 बज गया। पिछले कल 1 बजे उठी थी, आज 12 बजे उठ रही हूँ। और तबीयत वगैरह ख़राब है, नहाने का प्लान कैंसिल, और मौसम भी आज ख़राब है, तो बस ऐसे ही चेंज करूँगी, क्योंकि कल रात को काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह आ गया था ना फीवर की वजह से, पूरा कपड़े मतलब गिले हो गए, तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मा ने मना किया है नहाने को कि मत नहा और ऐसे ही चेंज कर लो, तो अभी ऐसे ही चेंज वेंज करूँगी और थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करते हैं। फीवर आज नहीं है, बट कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा, गला पूरी तरह से मेरा बंद हो चुका है, तो बस चेंज करते हैं फिर बाहर चलते हैं। चलो, तो अभी मैंने पहनी है ये पजामा और हाईनेक और जैकेट, बट मेरा कर रहा है कुर्ता पहनने का मन, तो मेरे पास ये कुर्ता है। मैंने इसको गर्मी में मतलब पहना ही नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा खुला खुला, वैसे तो मेरे को खुले कपड़े अच्छे लगते हैं, बट ये कुछ अजीब साइज़ की फिटिंग थी, तो फिर मैं इसको पहना नहीं, तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको अंदर से पहन लेती हूँ। चलो तो कुछ इस तरह का है यार। पूरा कैसे दिखाऊँ। ओ भाई, अब इसके बाहर से पहनूंगी जैकेट। वैसे मेरे को सब प्लेन पजामा पहनना चाहिए, बट क्या ही फर्क पड़ता है, घर में कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, घर में कुछ भी पहन लो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। डोरा चले, छोड़ दो इसको, चलो। अरे तो आज मैं हूँ घर में अकेले, कोई भी नहीं है, तो मैं देखती हूँ मैं अकेले कितना खुश है, मतलब अकेले में कितना कॉन्टेंट क्रिएट कर सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ। तो फिर गाइस, तो अभी मैंने बैठ के यहाँ पर रील्स बनाई, और मैंने ये पहने थे ना कान में, इतने हैवी है बट बहुत सुंदर है, और मैंने सिर्फ 50 रुपये में लिए थे, वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, देखो ऑनली 50 रुपीज़। वीडियो में छोटे छोटे से लग रहे हैं, लेकिन अच्छे बड़े बड़े, और वेट बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है। इसकी मैंने वो एक पीछे वाला भी गायब कर दिया ऐसे खोलते हुए, तो वो छूट गया मेरे से, और कान में हो रही है दर्द ये देखो। तो अब चलते हैं फटाफट से, खाना नहीं खाया मैंने अभी तक, 1 बज गया, खाना नहीं खाया अभी तक, 2 बजे मम्मी भी पहुंचने वाली। तो दोस्तों अब जाके खा रही हूँ मैं खाना, ये मैंने थोड़ी सी हरी सब्जी ली है, 1 चपाती और लस्सी ली है। अब लंच बोल लो, ब्रेकफास्ट बोल लो, जो भी बोलना है, टाइम वैसे 2 बज गया और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है, अब जाके खा रही हूँ। वैसे भूख तो है नहीं, मतलब भूख भी है बट गले में ऐसा भी कर रही हूँ ना, पानी तक पी रही हूँ, पानी भी नहीं पिया जा रहा है मेरे से, तो मैं सोचा कि हिम्मत करके खा ही लेते। अभी मैं ना इसको चुटकी बजाते खाली कर दूँगी, ये देखो एक दफा चट कर दिया गाइज। हाय रब्बा, इतनी मस्त धूप। मम्मी ने अभी आना था बस में, और मेरे को बस दिख गया आते हुए वही पीछे, तो हम मम्मी को लेने जा रहे हैं थोड़ा आगे तक, शायद उनके पास सामान वगैरह होगा। वैसे सामान तो मम्मी हमको पापा के पास रखा है, पापा शाम को ही लेकर आएंगे सारा सामान, मम्मी अभी बस में है, पापा शाम को आएंगे। जब मैं कभी अपने व्लॉग मतलब 5-6 या 10 दिन बाद देखती हूँ ना, और मैं खुद ही खजल रहती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ, आधी बातें मैंने ऐसी बोली होती कि जो मुझे पता है हाँ ऐसा है, और मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ये बोल रही हूँ कि मैं पूरी बात नहीं बताती हूँ, आधी बात बताती हूँ, आप लोगों को समझ आता ही नहीं आता। और जब मैं खुद उस ब्लॉग को देखती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे वो पूरी बात याद तो होती नहीं है, जो मैंने ब्लॉग में बोली होती है वही फिर मैं सोचती हूँ ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और मुझे पता है अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, रहने दो जाते हैं थोड़ा, दौड़ी ना ऐसे, चल मामा आगे आ जा, अच्छा अच्छा डोरा मिल गई आपको, वाह ये देखो हेलो बेटू, हाय हाय, नमस्ते नमस्ते जी, काय की नमस्ते, सुबह ही तो गए थे इधर पिजा मेरे से मिल वाला, आज मिल मिल गाड़ी मिल मिल, आज भाजा मिल, आज भाजा, वो देखो वहां गई बस, इसमें आए मम्मा। घर आते ही सबसे पहला काम क्या होता है, चिज्जी खाने का। हम देख रहे मम्मी क्या क्या लाया, डोरा को हमने पनीर दे दिया थोड़ा सा ही, देखो उसने ऐसे फैला दिया सारे में, इसको भी दे दिया पनीर, अब मैं अपना वेट कर रही हूँ। मम्मी मेरे लिए फन पॉप लेके आए, और मेरे को बाकी फ्रूट से कोई मतलब नहीं है, मैं एक ही फन पॉप लेके आए, मम्मी एक फन पॉप लेके आए, डोरा के लिए तो इतना सारा पनीर लाया। चलो हम इनसे काम चला लेंगे,
यार सीरियसली कभी सोचा नहीं था लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा। ये धाटू ना मैं मामा के लिए लेकर आई थी, तो मामा भी मेरे को बोलते कि ये तू रख, तेरे ऊपर ये ज़्यादा सुंदर लगता है, तू इसको पहनियो। मतलब सोचा ही था मम्मी अपना धाटू मेरे को देंगे, वो सिर्फ हम इतने बड़े हो जाएंगे। ओ माई गॉड, शर्म आ रही है गाइस, शर्म आ रही है, इतने बड़े। ओ माई गॉड, अभी तो गई थी मैं ना उधर ऊपर, कहीं शादी लगी है वो देखो वहाँ पे, दिख रहा है कुछ आपको? और मैं वहाँ पे सॉन्ग बज रही थी तो मैं यहाँ पे डांस कर रही थी, और मेरे को ना यहाँ ऊपर खेत से लोग दिख रहे थे, फिर मेरे को बोलते बेटा शादी कब है, फिर मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे, फिर मुझे लगा कि इनका शायद उनका बोलने का मतलब तक शादी कब है का मतलब है कि शादी की एज होगी, और ये ऐसे ही नाच रही है। तो दोस्तों ये देखो, हमने इतने सारे मटर छिले और दाने सिर्फ डोरा और मैंने ना खा लिए सारी। ये देखो डोरा कैसे खाएगी, डोरा को भी मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो हमने खा दी, अब मम्मी हमारे को खाएगी, क्योंकि हमने ये देखो इतने से रखे हुए, ये दाल के लायक भी नहीं रखे हुए, मैंने सारे खा दिए। मैं पता ही नहीं चला छीलते छीलते कब इतने से रह गया। और ये तो बजेगी डोरा और मेरी बैंड पापा पापा, अब ये भी काय को ही रख। ये सोच रही मम्मी आएंगे, मम्मी को बोलेंगे क्या मटर खा गए, मैं बोलूँगी डोरा खा गई, डोरा कैसे ही बोल पाएगी कि मैंने खाई, बेचारी डोरा खाए ना है, तू कैसे ही बोलेगी कि मैंने नहीं खाया है ना, कैसे बोलेगा मैंने नहीं खाया, मैं तो बोलूंगा तूने खाया। मम्मी एकदम मस्त अदरक मार के कड़क मसाला चाय बनाई जाए आज, स्पेशल मस्त कड़क सी चाय अगर नहीं हुई ना। तो अभी मैंने डोरा को अंदर बंद करके रखा था क्योंकि हम लोग यहीं बाहर जा रहे थे, गाँव में थोड़ा सा काम था मम्मी और मेरे को। आजकल ये वाले फूल ने बहुत ज्यादा लगे हुए, बहुत ज्यादा। एक जो दूसरे थे मम्मी इसके भाई बहन होते, वो वाइट वाइट कलर के, कैसे होते हैं वो भी लगते, वो मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छा पिंक से और वाइट से होते हैं वो। और ये भी देखो कितना प्यारा कलर है यार, यहाँ देखो इधर भी लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ। चलो 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 वो देखो मम्मी बकरी चरा रहे हैं, क्यों चरा रहे हैं स्टोरी घर में जाके सुनाऊंगी। वो देखो हमारा घर, छोटी सी डोरा, रुको इसके साथ फोटोज लेते हैं। देखो इनको देख के ना मेरे को होली की याद आती है, अब जैसे जैसे होली आने वाली होती है ना, फिर इसमें पीला पीला कलर क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पठाउड़ मेरे लिए तो होली ही है, क्योंकि इसमें हम ऐसा करते थे ना जब हमारा कलर खत्म हो जाता था छोटे छोटे होते थे, तो फिर हम इससे निकालते थे और इसका कलर लगाते थे। एक बार क्या हुआ ना, जब मतलब हमारा होली वगैरह सब कुछ कलर खत्म हो गया था, तो फिर हम आए और ये पठाउड़ ये जो भी है ये निकाला, फिर जैसे मुँह निकाल रही थी ना और उसमें कहीं शायद मधुमक्खी थी कुछ थी, तो उसने मेरे को यहाँ से पर डंक मारा, होली हाली का सारा बुखार उतरा, तो फिर पूरा दिन रोते रोते निकला। उस दिन की होली मेरे को अभी भी आता, तब से मैं हमने कभी भी ये पठाउड़ निकाला ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा इतनी मोटी मधुमक्खी थी, मैंने शायद जोर से रगड़ा ना तो फिर मेरे को इतना मोटा डंक मारा यहाँ पर। पुल बनाए गाइस जी, देखो नीचे से खाली हुआ है। मम्मी फेंक रहे मेरे को यार, हद है भाई, शादी है मेरी, अरे फेंक हो गया मेरे को, अब हम आपके अमानत नहीं रहेंगे, ठीक है, अब आपको कोई हक नहीं है हमें ऐसे फेंकने का। चल मोटी मैंने कांटा गया हुआ है, अब ये पता नहीं गया है चुभा है कुछ पता ही नहीं लग रहा है इस जगह पे। और ये देखो गड्ढे किए जा रहे हैं गाइस 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 गाइस। देखो दोस्तों अभी यहाँ से इतना खतरनाक एक्सीडेंट होना था ना मेरा, बोलती हूँ ना मेरे को पता है मेरी मौत होगी व्लॉग बनाते बनाते, या तो मैं हड्डिया पसलियाँ तोड़ दूंगी ये व्लॉग के चक्कर में, कुछ ना कुछ तो खटके ही रहूंगी मैं काम इस व्लॉग के चक्कर में, क्योंकि मेरा ध्यान सारा ऐसे होता है। देखो अभी मैं चल रही हूँ ना, आंखें मेरी यही है, नीचे का कुछ नहीं पता, पीछे देखो रास्ते कैसे कैसे है। जाके मिलते हैं, सबर नहीं हो रहा मेरे से। ये क्या है बता दो, ये क्या है बता दो, नहीं ये क्या है बता दो यार, ये क्या है इसके अंदर क्या है, स्टोर क्या है। तो यहाँ पे ना पास यहाँ पे देख रहे पहले, ये पर यहाँ पे नेपाली एक दीदी थी और
उनकी बेबी थी सपना और दो तीन लोग थे वो ना, तो वो रहते थे यहाँ पर, तो उनके लिए हम लोगों ने क्या मम्मी क्या बनाया था? घुसलखाना बनाया हुआ था। इसमें अंदर से शीट वगैरह फिट किया, बाहर से ऐसे तरपाल से कवर किया हुआ ये, ताकि वैसे भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए, इसलिए इस तरह के जुगाड़ मस्त है। टूर दो इसका आपको, चलो टूर देते हैं आपको, चलिए दिखाते हैं आपको घुसलखाना। ये पता क्या जुगाड़ किया हुआ है, टॉयलेट सीट है और उसके नहीं आपको स्किम में ही नहीं बतानी मैंने। धूप भी लगी है, बारिश भी आ रही है, रेनबो, वाओ। छी मम्मी छी, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो आप व्लॉग में। इतना मजा आ रहा है ना, पैसे में भी मारूं दो, पैसे भी मारो जाएंगे, हम और भी मारो जाएंगे। चलो चलो, तो सीधे की ना मस्त इफेक्ट आ रहा है ना। थक गई गाइस, मैं पता नहीं वीडियो कितनी हुई होगी यार, अगर 7-8 मिनट या 6-7 की होगी होगी, तो वीडियो अगर यहीं पर करते अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल बनने हो तो चैनल को सब्सक्राइब।